डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। मरीजों में जो है सुविधाएं हो रही है, उनमें भय एक वातावरण है, वो भी आज हमने कलेक्टर साहब के सामने ये रखा कि लोग भय के कारण अस्पताल ही नहीं जा पा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और कई लोगों की ऐसी शिकायतें आई है कि जिनके कोरोना नहीं है और वहाँ पे कह दिया था आपको तो कोरोना है, और इस कारण लोग बाग ऐसे देशियत में जी रहे हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से ये कहा कि लोगों को एक सर्टिफाई किया जाए कि किस तरह से बचाव वगैरह, ये जो अस्पताल की भी थोड़ी लापरवाही आ रही है उससे भी हमें थोड़ा संतुष्टि है, क्योंकि ये हमारे माननीय रघु शर्मा जी का गृह क्षेत्र है और वो हालांकि पूरी निगाहें उस क्षेत्र पर रखे हुए हैं, फिर भी हमने इन्होंने कहा कि मुस्तैदी से और जाँचें करवाएं ताकि ये चीज़ें वो नहीं हो। साथ ही हमने ये भी रखा कि जो टाटा पावर जो है जिस तरह से मिसयूज कर रहा है और अनाप शनाप जो बिल भेज रहे हैं, आज बेचारा किसी ठेले वाला है, किसी का क्या है, किसी को झुग्गी झोपड़ी में दो दो पाँच पाँच हजार रुपये बिल। पहले भी कोरोना में 3 महीने के अंदर तो लॉकडाउन में वैसे ही बंद पड़े रहे और फिर ये इतना बिल का बोझ, आज वो खाने की उनकी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी उसके बाद वो मतलब ये देखो बिल चुकाने के कनेक्शन काटने की चेतावनी दे के बेशियत पैदा कर रहे हैं लोगों में। और टाटा पावर पे कहा कि उस पर पाबंदी लगाई जाए और लोगों की समस्याएं सुनी जाए। महेश हो जाए, जो कोरोना महामारी को लेकर के काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि अजमेर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर है इस बीमारी को लेकर के, और पूरे देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर सीएम साहब ने और जो चिकित्सा मंत्री जी हमारे रघु शर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए। इसी का नतीजा रहा कि राजस्थान में कोरोना काफ़ी कम इफेक्ट कर पाया और जो जिस गति से पेशेंट बढ़ रहे थे उसमें काफ़ी रोक लगी है। इसी को लेकर के हमने आज जो हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी है, हम लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब से मांग की है कि पिछले कुछ दिनों से जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंटों का जो रेगुलर जो जाँचें होनी थी वो समय पर जाँचें नहीं आ रही थी और करीब 2000 जांचें अभी भी पेंडिंग हैं, और इसके अलावा जो पेशेंट है लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जहां पर 10 या 20 मरीज़ रोज़ अजमेर में आ रहे थे, वहां पर अभी 150 के करीब मरीज पर डे आ रहे हैं, और जांचों का दायरा इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन जो होम क्वारंटाइन जो कर रहे हैं उन पे भी सुविधाओं में इजाफा करने के लिए हमने इनको कहा है। कलेक्टर साहब ने हमको भरोसा दिलाया है कि निश्चित तौर पर जैसी सीएम साहब की मंशा है और राज्य के मुख्यमंत्री जी कोविड को लेकर के आज भी समाचार पत्रों में भी उन्होंने विज्ञापन जारी करके पब्लिक से भी हम अपील करते हैं, जनता को जागरूक होना चाहिए और अभी जो सामूहिक जो प्रोग्राम होते हैं उनसे कम से कम दूरी बना करके रखनी चाहिए, और जो मास्क का जो उपयोग है वो समय पे करें, और जनता वास्ते में खुद जब तक जागरूक नहीं होगी इस कोरोना पे किसी भी प्रकार में जो सरकार की जैसी मंशा है कि ये तुरंत प्रभाव से राजस्थान में नहीं फैले, और विशेष रूप से अजमेर में जो कोरोना विस्फोट जैसी खबरें आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाँचों का दायरा बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हम चिकित्सा डिपार्टमेंट से भी मांग करते हैं कि वो इसमें व्यवस्थाओं में सुधार करें। मंत्री जी का गृह जिला है और हमारी जैसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उनकी भावना के अनुरूप यहाँ पर जो बेहतर जो सुविधाएं उपलब्ध कराएं मरीजों को, इसी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने आज यहाँ पर मुलाकात करी है।